अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नी ज्वाइंट के बारे में, मतलब घुटने के दर्द के बारे में। ऐसे लोग जिनको घुटने में दर्द रहता है, बायां हो या दायां हो, दोनों या दोनों घुटनों में दर्द रहता है, किसी भी किस्म के घुटनों में कोई भी दर्द रहता है, कितना भी पुराना हो, चाहे 1 साल 2 साल 10 साल पुराना दर्द हो, आज की इस ट्रिक से मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप हमेशा के लिए अपने घुटनों के दर्द से निजात पा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बजरिया सुजोग कलर थेरेपी एंड सीट थेरेपी। तो सबसे पहले आपने अपने लेफ्ट हैंड या राइट हैंड की जो दरमियान वाली दो फिंगर्स हैं, इन दो फिंगर्स को आपने अच्छी तरह ट्विस्ट करना है। अकॉर्डिंग टू सुजोग थेरेपी दिस इज योर लेग्स, ये दो जो हैं आपकी लेग्स हैं, ये आपकी टांगे हैं, तो ये आपके एंकल नीचे वाले दो ज्वाइंट, ये जो दो ज्वाइंट है ये एंकल हैं, और ये दो जो ज्वाइंट हैं ये आपके नी ज्वाइंट है, मतलब घुटने हैं। तो आपने इसको अच्छी तरह ट्विस्ट करना है, इसको भी अच्छी तरह ट्विस्ट करना है। आप कोई ऑयल लगा लें या कोई पाउडर लगा लें, उसके बाद अच्छी तरह इसको ट्विस्ट करें इस तरह, और इसको भी अच्छी तरह ट्विस्ट करें एक इधर भी। उसके ट्विस्ट के बाद आपने अच्छी तरह मसाज देनी है इसको भी, इस वाले ज्वाइंट को भी और हाथ के ज्वाइंट को भी। आपने इन दोनों फिंगर्स के दोनों ज्वाइंट्स को अच्छी तरह मसाज देनी है, ट्विस्ट करना है, उसके बाद आपने रेड कलर ले लेना है और अप्लाई यहाँ पर अप्लाई कर लेना इस ज्वाइंट के ऊपर इस तरह। जितना भी पुराना दर्द होगा, जितना भी पुराना होगा, वो आपका पहले सिटिंग से ही, आपको पहले दिन की थेरेपी से ही आपको फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको बहुत पुराना दर्द है, 10 साल 5 साल इस तरह का अगर क्रॉनिक पेन है आपको, तो आपने इसको कम से कम 1 हफ्ता करना है इस थेरेपी को। इसी तरह इस ज्वाइंट पर हो गया, इस ज्वाइंट पर भी आपने रेड कलर इसी तरह लगाना है। बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छी थेरेपी है ये, फौरी रिजल्ट मिलता है आपको। जितना भी दर्द होगा आपका, फौरी आपको रिजल्ट मिलेगा। ये देखें, आपने ये दोनों अपने जॉइंट्स जो हैं रेड कर लिए, रेड कलर लगा लिया। वैसे कलर थेरेपी में आप जो सिर्फ रेड कलर लगा लेंगे तो आपको इससे भी आराम आ जाएगा, लेकिन मज़ीद हमें ज़्यादा फास्ट रिजल्ट चाहिए तो हमें इसके साथ इस तरह की टेप लेनी है, नेटो टेप, कोई से भी आप टेप ले लें, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से कहीं से भी आपको मिल जाएगी। उसको आपने काट लेना है टेप को, उसके उस पर इस तरह मेथी दाना लगाना है। ये देखें, मैंने पहले से लगा के रखा हुआ था, ये टेप पर आपने मेथी दाना इस तरह लगा लेना है, और ये जहाँ पर हमने कलर लगाया था आपने वहाँ पर लगा देना इसी तरह। एडिशनली इसके ऊपर आप और टेप कर सकते हैं ताकि ये उतरे ना, और इस ज्वाइंट पर भी आपने मेथी सीड इसी तरह लगा लेनी है टेप के अंदर लगा के। आप देखेंगे आपको पहली सीटिंग से ही 50% आराम फौरी आ जाएगा आपको पहली सीटिंग से ही। लेकिन अगर आपको पुरानी क्रॉनिक मतलब पेन है, तो आपने कम से कम भी इसको 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक लगातार करना है इसी थेरेपी को, सेम इसी तरह। ये देखें, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपने इसको, इस थेरेपी को हो सके तो रात को अगर आप कर रहे हैं तो आपने सुबह इस पट्टी को उतारना है, मतलब 8 घंटे पट्टी को लगा रहने देना है। जितनी देर पट्टी लगी रहती है उतना आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। और उसके बाद ये सीड्स आपने फेंक देनी है, ये दोबारा आप यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट डे जब आप करेंगे तो आपको नई सीड लगानी है, इसी तरह आपने इसी तरह अप्लाई करना है यहाँ पर सारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो, और अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिलता है, तो आप लाजमी हमें फ़ीडबैक दें, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।